नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानी घोष जी। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। थैंक यू सो मच श्रीकांत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जिस तरह से आपने शिक्षा को म्यूजियम के माध्यम से जोड़कर एक कहें कि क्रिएटिव सोच डेवलप की है, तो इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये कब आपने सोचा ऐसा, और किस तरह से द म्यूजियम स्कूल में बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। श्रीकांत जी, इसकी शुरुआत 2005 में हुई, जब हमने इस मुहिम की शुरुआत करी। ये ऐसा हुआ कि बच्चे जो डिप्राइव्ड हैं क्वालिटी एजुकेशन से, आपको भी पता है इतने सारे एजुकेशन पॉलिसीज होने के बाद भी अभी भी बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन से। क्योंकि क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चे जो अभी भी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अच्छे स्कूल में, उनको क्वालिटी एजुकेशन अभी भी नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना उन बच्चों के लिए काम किया जाए, उन बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, उन बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन लाया जाए जो बच्चे अभी भी डिप्राइव्ड हैं। तो हमने म्यूजियम से बात करी, 5 ऐसे म्यूजियम्स हैं भोपाल के जिनसे हमने बात करी, और म्यूजियम्स को ही इन बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर्स स्कूल बनाया। तो ये चला आ रहा है पिछले 16 साल से, जिससे बच्चे अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। शुरुआत में दिक्कत हुई थी, पर उसके बाद बच्चे अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। अभी तो बच्चे काफी एक पूरा बैच निकल गया है, और अभी वो कॉलेज में भी हैं। बिल्कुल शिवानी जी, 16 साल से ये सफर चल रहा है। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जब शुरुआत में आपने सोचा कि म्यूजियम के थ्रू शिक्षित बच्चों को किया जाए, और ऐसे बच्चों को जहाँ पर उनको शिक्षा नहीं मिलती है, तो क्या आपके सामने चैलेंज आए, और आपको कब ऐसा लगा कि ये शायद जो आपका सपना है ये सपना ही रह जाएगा, इसको मतलब बीच में ही सफर आपको छोड़ना पड़ा, कभी ऐसा महसूस हुआ? मैंने जब शुरुआत करी थी अशकांत जी 2005 में, तो 40 बच्चों से मैंने शुरुआत करी थी। 2 ऐसी बस्तियां थी हमारे भोपाल के जहां से मैंने शुरुआत करी थी। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनको पता था, ये वो बच्चों के साथ शुरुआत करी थी मैंने जो पन्नी बिनते हैं, रैक पिकर चिल्ड्रन के साथ शुरुआत करी थी मैं, जिनको पढ़ाई के बारे में या एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही उनके पेरेंट्स को कुछ पता है इस बारे में। तो शुरुआत मैंने उन लोगों से की, उनके पेरेंट्स को कहना था ठीक है ले जा रहे हैं ले जाइए, बच्चे वैसे भी पढ़ के क्या कर लेंगे। तो इसलिए हमने जो टाइमिंग रखी थी बच्चों की, दोपहर वाली टाइमिंग है 3 से 5, आज भी वो 3 से 5 ही चलता है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हम बच्चों को एकदम से काम से निकाले जो वो काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी भूखा पेट शिक्षा नहीं होती है। तो हम चाह रहे थे कि काम पे जो जा रहे हैं उनको जाने दें, एंड दोपहर को ये बच्चे वापस जब बस्ती में आते हैं तो हमारे साथ चलें, एंड जो बाकी के जो दोपहर वाला जो टाइम है हमारे साथ पढ़ाई करें। तो देखते देखते बच्चों के पेरेंट्स जो हैं उनने हमें सपोर्ट कर, वो हमें सपोर्ट करने लगे कि ठीक है बच्चे अब काम से धीरे धीरे उनको निकालने लगे और हमारे साथ भेजने लगे। पर बीच में ऐसा हुआ कि 40 बच्चों से बिल्कुल 4 बच्चे पे हम आ गए, क्योंकि एक ऐसी संस्था थी जो उस बस्ती में काम कर रही थी, एंड उनको लगा कि पेरेंट्स को वो बताने लगे कि पता नहीं आपके बच्चों को ले जाके कोई गलत काम तो नहीं करवा रहे हैं, कहीं और लेके तो नहीं जा रहे हैं, कहीं बेच तो नहीं देंगे। तो पेरेंट्स थोड़े रिलक्टेंट हो गए कि कहीं ये हो भी सकता है। नेचुरली सबके लिए अपने बच्चे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और बहुत मुश्किल होता है वो कन्विंस करना उन लोगों में। तो ये 4 बच्चा, तब हमको ऐसा लगा कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी उनको बस्ती से बाहर लेके आने में। फिर ये 4 बच्चे जो आने लगे, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये 4 को ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 4 को लगेगा, इन 4 को तो एटलीस्ट लग रहा है कि हमें कुछ सीखना है। तो ये 4 बच्चे जब वापस जाते थे बस्ती, इन लोगों की जो बिहेवियरल चेंज, इनका जो लैंग्वेज, इनकी जो बात करने का ढंग, इनके इनका रहन सहन चेंज होने लगा, और वो सारी चीजें लोगों को दिखने लगा, आसपास के उनके कम्युनिटी के लोगों को दिखने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पेरेंट्स को लगने लगा कि नहीं ये तो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं और बच्चों में चेंज आ भी रहा है। तो ऐसे करते करते पेरेंट्स फिर धीरे धीरे बाकी जो बच्चे बैठ गए थे उन बच्चों को भी फिर धीरे धीरे हमारे साथ भेजने लगे। तो ये एक वो, उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखे कि कैसे बच्चे आएंगे, क्योंकि ये बच्चे ही थे जो बच्चों को जोड़ते गए और पेरेंट्स सपोर्ट करते गए। तो ये था इनिशियल चैलेंज। कितना कारवां हो चुका है, 4 बच्चों से शुरू हुआ सफर।
4,500 बच्चे अभी तक हमारे यहाँ से बेनिफिट हो चुके हैं इस मॉडल से। एंड अभी अपने मुकाम पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है इन बच्चों को और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, जो हाथ का काम हम सिखाते हैं, जो स्किल्स हम म्यूजियम स्कूल में सिखाते हैं, आज इस दौर में, इस कंडीशन में, इस पैंडेमिक की कंडीशन में, ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की नौकरी चले गई थी, उनका काम काज चले गया था, ये वो पेरेंट्स हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किए हैं अपने जो जो स्किल्स इन्होंने सीखा है उससे। बिल्कुल शिवानी जी, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है? श्रीकांत जी, हमारा बहुत सीधा सा मतलब ये वो पेपर भरना या फाइल भरने वाली बात नहीं है। कोई बच्चा जो अलग तरीके से कुछ सीखना चाहता है एंड स्टिल डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन से, स्कूल नहीं जा रहा हो या स्कूल जा भी रहा हो तो उसको वो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाई में, कोई भी ऐसा बच्चा, निचले तबके के कोई भी ऐसा बच्चा बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकता है। किसी भी बस्ती में या किसी भी जगह में, भोपाल के किसी भी जगह में, वो बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं ये प्लेटफॉर्म ओपन रखी हूँ सीखने के लिए। तो मेरे यहाँ सीखने जो बच्चे आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, एंड इसमें कोई ये नहीं है, और निःशुल्क करते हैं हम ये, तो बच्चों को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो क्या आप जब आपने ये स्कूल शुरू किया, अब क्या आप किसी से मदद लेती हैं या सरकार से कोई मदद, या फिर आप स्वयं इसका पूरा भार उठाएंगे? श्रीकांत जी, इसकी शुरुआत जब मैंने की थी तो ये हमने अपने खुद की सेविंग से शुरू किया था, और हमें नहीं पता था कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, एक 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 तरीका है, एक इनिशिएटिव है, कौन से फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करेंगे हमें नहीं पता था, क्योंकि नेचुरली एक्सपेरिमेंट है, कोई आगे आना नहीं चाहता, तो हमने अपनी सेविंग से शुरुआत करी इसकी। उसके बाद कुछ दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, अच्छा उन लोग देखने लगे कि अच्छा काम चल रहा है और अच्छा हो रहा है, तो वो सपोर्ट करने लगे हमें। तो 3 साल तो ऐसे चला दोस्तों के सपोर्ट से, वेल विशर्स के सपोर्ट से। उसके बाद फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आगे आए, सर दौरभजी टाटा ट्रस्ट, फिर आई पार्टनर, ये सारे लोग आगे आए, और आई पार्टनर के सौजन्य से हम लोग बैंगलोर में भी हम शुरू कर पाए म्यूजियम स्कूल। तो ये चला 2016 तक। 2016 में दौरभजी टाटा ट्रस्ट का थोड़े से नॉर्म्स बदल गए, उनको लाइवलीहुड पे एमपी में करना था तो एजुकेशन में वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो 2016 में हमारे फंड्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। पर इतने साल चलने के बाद सिर्फ फंड्स के क्रंच के कारण हम इसको बंद करना नहीं चाह रहे थे। तो जब ये बात मैंने अपने टीचर्स से कही, क्योंकि मैं आपको मेंशन कर दूं कि मेरे टीचर्स भी उसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ से मेरे बच्चे आते हैं, तो वहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियों को हमने एज अ टीचर लिया है, तो टीचर्स कहने लगे कि मैम कोई बात नहीं, आप हमको सैलरी मत दीजिए पर ये प्रोजेक्ट मत बंद करिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं और बाकी लोग भी मेरे साथ हैं, तो मुझे लगा कि नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमको 2016 मार्च से लेके 2016 अक्टूबर तक। उसके बाद हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू हुआ, जो जब यूनेस्को ने हमारे इस मॉडल को इनोवेटिव एजुकेशन अवार्ड से नवाजा, और हमें भी नहीं पता था कि ये मतलब हमारे लिए वो सपना था। तो जो इनोवेशन अवार्ड में जो हमको अवार्ड मनी मिला था उसको हमने फिर अपने इस प्रोजेक्ट को चलाने में यूज़ किया, एंड बाकी बहुत लोग आगे आए हैं। एक नाम लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ऐसे वेल विशर्स हैं, बहुत ऐसे सपोर्टर्स हैं जो आगे आए हैं, और आज भी इसको पीपल्स प्रोजेक्ट से चल रहा है जहाँ पे लोग आगे आ रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं इस मॉडल को चलाने में। शिवानी जी, यानी कि पहला कदम आपने उठाया और अब धीरे धीरे बच्चों के साथ मदद करने वालों का भी कारवां जुड़ता जा रहा है, और यही खूबी होती है भारतीय महिलाओं की कि वो जो ठान लेती है वो बिल्कुल करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शिवानी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू आपने एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।